बदलाव प्रारंभ में सबसे कठिन, मध्य में सबसे बेकार और अंत में सबसे अच्छा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बोला हो कि बदलाव जो है वो प्रारंभ में तो स्टार्टिंग में सबसे कठिन, बीच में सबसे बेकार और अंत में सबसे अच्छा होता है। मैं जानता हूँ कि कई बच्चे या कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी और अब स्टार्ट की है वैकेंसियों के देखते हुए। तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बदलाव जो है प्रारंभ में आपको कठिन लगता है, बीच में आपको बेकार लगता है, लेकिन अंत जो उसका होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों आज से मैं आपके लिए UP SSC जूनियर असिस्टेंट के लिए डेली ऑनलाइन टेस्ट लेकर के आया हूँ, जिसका लेसन नंबर फर्स्ट है। आज से आपको रोज एक टेस्ट मिला करेगा जो कि नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। 25 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 20 नंबर लाना अनिवार्य होंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने के एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक लुप्त पद दिए हैं। विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखना यहाँ पर ये 19 नहीं है, यहाँ पर आप 49 कर लीजिए, 49 है, ये 19 नहीं है। देखो 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है और 7 का दुगना हो गया आपका 14। देखो 13 जो है, या 69 जो है, 169 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर हो गया आपका 26। अब देखना यहाँ पर 50 आया, 13 का दुगना 26, 50 जो है वो किसका दुगना होगा, 25, और 25 का स्क्वायर करो 625। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है आपका, समझ गए, रीजनिंग है आपकी, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस 2, 3, 1 को 14 से डिनोट करते हैं, 4, 0, 3 को 25 से डिनोट करते हैं, तो 6, 2, 4 को किससे डिनोट करेंगे। देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 3 9, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 9 और 4 को जोड़ा तो हो गया 13, और 1 का स्क्वायर 1 को जोड़ा तो हो गया आपका 14। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ दिए तो 25, 4 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ दिए, 36 और 4 कितना हो गया 40, और 4 का स्क्वायर एक बार करा हमने 16, 40 और 16 56। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, कुछ कठिन काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के विषम अक्षर को चुनिए, इसमें से हमको विषम यानी कि ऑड बताना है कि विषम अक्षर कौन सा है, डी जे ए जी एम या टी और एन और टी। तो देखो डी ई एफ जी एच आई जे, 6 छोड़ के 7वें स्थान पर जे आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक इसी प्रकार से आपका कौन सा, 6 छोड़ के 7वें स्थान पर जी आ गया, एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस आने था लेकिन आ गया आपका टी। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, उंगलियों पे होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सीमित शब्द में कौन सी संज्ञा है, मैंने आपसे बोला हिंदी रीजनिंग और जी के सभी मिलेगी आपको, सीमित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखो सॉरी समिति है, मैं सीमित पढ़ रहा हूँ, समिति। समिति जो है वो एक ग्रुप होता है, तो समिति शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। अगर आपको सारे रसों के स्थायी भाव पता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, ठीक है। अच्छा अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। तो वो तीसरा और चौथा तो आपका सही है, तीसरा और चौथा, कहीं दिख रहा देख लो, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि तीसरा और चौथा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के खम्बा का तत्सम शब्द क्या होगा, खम्बा का हमको तत्सम शब्द बताना है। खम्बा जो है एक हिंदी वर्ड है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द हमको बताना है कि इसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो अगर हम बात करें खम्बे के तत्सम शब्द की, तो ये होगा आपका स्तंभ। स्तंभ जो है वो खम्बे का तत्सम शब्द होगा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के पुलिस शब्द में कौन सा लिंग है। अब देखो आपने 50 बार देखा होगा, पढ़ा होगा पुलिस को, लेकिन पुलिस शब्द जो है वो एक्चुअल में कौन सा लिंग है, ये हमसे पूछा है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो पुलिस पता कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द है, जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं पुलिस आ रही है, कभी आपने बोला पुलिस आ रहा है, ऐसे तो बोलते नहीं है, पुलिस आ रही है, पुलिस आ गई, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, थोड़ा ध्यान से।
क्योंकि कई शब्द ऐसे हैं जो लगते तो आपको पुरलिंग है, एक्चुअल में होते स्त्रीलिंग। देवाले शब्द का संधि विच्छेद, देखो बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ता हूं मैं, देवाले शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो संधि विच्छेद में क्या होता है, जब आप तोड़ते हैं तो दोनों शब्द का मतलब निकलने चाहिए। अगर आपको संधि नहीं भी आती है तो इतना सा आप थोड़ा मन में बिठा लीजिए या दिमाग में बिठा लीजिए कि जो दो शब्द विग्रह होगा उन दोनों का मतलब होना चाहिए। ठीक है, अब देखो देव प्लस आवे आले, तो ये हो गया आपका देवालय, यानी कि तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? देखो ये क्वेश्चंस कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि प्रत्यय कहाँ पर लगाए जाते हैं शब्द में, तो किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यय, किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं उपसर्ग। दोनों को याद कर लो, रट लो, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। तो भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें उक प्रत्यय होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। उड़न छू हो जाना, कई बार आपने सुना होगा, उड़न छू हो जाने का मतलब है गायब हो जाना। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मैंने आपसे बोला कि उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, जल्दी बता दो कि अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अधिकार शब्द में उपसर्ग होगा आपका अधि उपसर्ग। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। कहा सुनी में समास, कहा सुनी में कौन सा समास होगा? अच्छा यहाँ पर एक पता, कहा सुनी देखो ऐसे लिखेंगे जी, ये कहा थोड़ा सा आपका लागव चिन्ह लगेगा और सुनी, अब जब हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो शुद्ध हिंदी मुझे बोलने पड़ती है, तो ये जो आपका चिन्ह है इस चिन्ह से ही अपन समझ जाएंगे। जैसे ही आपको ये चिन्ह दिखे आपको आंख बंद करके द्वंद्व समास लगा देना है। अगर आपको समास नहीं आता है तो लाखों लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, यूट्यूब पे डाल लेना समास बाय इंडियन स्टडी, सबसे पहले मेरी वीडियो आ जाएगी, देख लेना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे समास। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, उत्तर प्रदेश भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का प्रमुख उत्पादक है, ये हमसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगती है? तो गन्ना आपका बिल्कुल सही आंसर है, दूसरा ऑप्शंस। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? 1905 की बात हो रही है, 1905 में, तो 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस सत्र के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शंस करेक्ट है। अब आपकी जी के स्टार्ट हो गई, जैसा कि मैंने आपसे बोला था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के राजनेता कौन थे? तो सबसे कम उम्र के जो राजनेता थे उनका नाम था अखिलेश सिंह यादव, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिनका लोगन था क्या था, काम बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है? तो आपका जो सही आंसर है वो आपका मिर्जापुर, कौन सा दोस्तों, मिर्जापुर, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिन्यू मैत्री 18 एक द्विपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ? तो ये जो आपका शुरू हुआ ये किस शहर में शुरू हुआ, ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्टार्ट हुआ, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शंस? दूसरा ऑप्शंस। रामनाथ कोविंद ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सीआईआई एग्रोटेक 2018 का उद्घाटन किया? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, पंजाब में निम्नलिखित में से किसने नौजवान भारत सभा शुरू की, ये हमसे पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए। तो ये जो शुरू की थी ये की थी आपकी भगत सिंह ने, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित है, जैसे विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, ध्यान रखना विश्व शिक्षक दिवस है तभी 5 अक्टूबर है, अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता तो ये आपका 5 सितंबर होता, ठीक है। और अब विश्व शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो अभियंता दिवस इंजीनियरिंग डे कब मनाते हैं? तो ये बनाते हैं 15 सितंबर को, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शंस? चौथा ऑप्शंस। ये आपका बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, क्योंकि 841 अगर किसका 29 का स्क्वायर है तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो तीसरा ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। ऐसे तो बिल्कुल बोनस में मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस अपन को। निम्नलिखित में से संबंधित शब्द को चुनिए, कैलेंडर अगर तारीख से संबंधित है, तो देखो कैलेंडर में तारीखें होती हैं तो शब्दकोश में क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए शब्दकोश में शब्द होते हैं, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए, वसुधा का पर्यायवाची क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें वसुधा के पर्यायवाची के बारे में, तो वसुधा का पर्यायवाची होगा आपका धरती, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
कौन सा ऑप्शंस? पहला ऑप्शंस, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है वर्तनी के अनुसार, जल्दी से बता दीजिए। 50 दफे देखा होगा अभिनव, एक्चुअल में किस प्रकार से लिखा जाता है ये हमको नहीं पता। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका अभिनव, आपका बिल्कुल शुद्ध वर्तनी, शुद्ध स्पेलिंग आपकी दूसरे नंबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, अलंकार की भी वीडियो है प्रोवाइड करवाइए, देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चंस के विलोम शब्द हमको बताना है कि निंदा का विलोम शब्द क्या होगा। अच्छा 25 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, कितने हैं 25। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, और आप लोग की ही डिमांड पर मैं टेस्ट लेकर के आऊँगा। कि आप चाहते हैं कि ऐसा टेस्ट मैं डेली बेसिस पर प्रोवाइड करवाऊँ? अगर आप चाहोगे तो ही मैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाऊंगा, वरना मैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करवा रहा हूँ, मुझे उसमें ही टाइम नहीं मिल पाता दो वीडियो बनाने में। तो मैं आज आपसे इसलिए भी मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई क्योंकि आपसे मैंने वीडियो में बोला था कि मैं आगे आने वाले दिनों में जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करवाऊंगा। अगर आप चाहोगे, बोलोगे कमेंट में, तो ही मैं आगे की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। अच्छा लास्ट क्वेश्चंस जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, निंदा का विलोम शब्द, तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।